हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिका ताजाशियाना। चलिए फ्रेंड्स, आलू की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। और बिना उबाले आलू की सब्जी कितना इजी बनता है, बताते हैं कि कैसे बनता है। बहुत इजी है, बनाना ना भूलिए। गेहूं की रोटी में बहुत अच्छा लगता है आलू की सब्जी, आप भी बनाइए, ज़रूर बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पैन ले लिया है मैंने। इसमें 4 से 5 स्पून ऑयल डाला है मैंने, और इसमें उतना बड़ा नहीं उतना छोटा नहीं आलू कट करके रख दिया था। 1 से 2 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। बारीक कटा हुआ ऑनियन डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे। इन सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मसाले लग जाए इसलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए ढक देंगे, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे मसाले आलू को लग जाए। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, इसमें 1/2 स्पून डाल रही हूँ। टेस्ट के अनुसार आप ज्यादा कम कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से टेस्ट इतना डाल रही हूँ। और इसमें 1/2 टीस्पून चिकन मसाला डालेंगे। चिकन मसाला क्यों डाल रही हूँ कि टेस्ट चिकन फ्लेवर का आता है, इसमें टेस्ट अच्छा बहुत अच्छा लगता है इसलिए चिकन मसाला यूज कर रही हूँ। इससे सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। आलू गला हुआ है नहीं है, इसे देखेंगे, ये तो गल चुका है। और इसमें लौंग, चकला, इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, हरिया धनिया डालेंगे इसमें, और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए सिम फ्लेम में छोड़ देंगे। ये तो रेडी हो चुका है आलू, आलू सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी बनाना दिखा देती हूँ। और आटा गूंद के रख दिया था मैंने 1/2 आवर के लिए, और इसे छोटे छोटे लुई बना लेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे रोटी बना लेंगे और एक साइड ऑयल लगा के इसी तरह से समोसा टाइप बना लेंगे रोटी को। और सारे इसी तरह से सूखा आटा लगा के अच्छी तरह से बेल लेंगे। और हीट होने के लिए पैन रख दिया था मैंने, और ये तो हीट हो चुका है। अलट पलट के सेक लेंगे सारे रोटियों को। और एक साइड ऑयल लगा चुका है और दूसरी साइड भी इसी तरह से ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी तरह से रोटियां इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से पूरों को सारे को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये तो रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, सर्व कर चुकी हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी बिना उबाले इजी है बनाना। आप भी बनाना ना भूलिए, जरूर बनाइए। कमेंट में बताइए कि आपकी आलू की सब्जी और रोटी कैसा बना हुआ था, टेस्ट कैसा लग रहा था, कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, मैं अच्छे अच्छे रेसिपी लाते रहूंगी। अल्लाह हाफिज़।